सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अमान में रखे। आज जो मैं आपके लिए चिकन के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है। बहुत मज़ेदार बनती है इससे चिकन, आप बना के देखिएगा, बिल्कुल नया टेस्ट आएगा और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके लिए जो मैंने सामान लिया है उसमें मैंने 1 किलो चिकन ली है और मैंने 1 टीस्पून भर के जीरे का लिया है, इसको मैंने भून के कूट लिया है गदरा गदरा सा, और 1 ही टीस्पून मैंने भर के लाल पिसी मिर्च ली है। साबुत धनिया मैंने 1 टेबलस्पून लिया था भर के, इसको भी मैंने भून के हल्का सा रोस्ट करके और कूट लिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है। अच्छा, कुछ गर्म मसाले मैंने साबुत लिए हैं इसमें, जैसे ये 1.5 के करीब जो दालचीनी है, दालचीनी के टुकड़े मेरे पास, 2 जो है बड़ी इलायची ली है मैंने, और 6 से 8 मैंने काली मिर्च ली है, 4-5 लौंग ली है, 2 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ली है, और 3 मैंने दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, और 4 टेबलस्पून मैंने दही लिया है, इसको भी फेंट के रख लिया है। तो अब हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, और ये पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने लिया है, ये 1 टीस्पून है। चले रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जो है देगची में पहले ही जो है 4 से 5 टेबलस्पून जो है भर के ऑयल का डाल दिया। अब इसमें मैं ये साबुत गर्म मसाला जो मैंने लिया था ये डाल दूँगी, बस ये साथ ही गर्म मसाला कड़कड़ाता भी जाएगा, और इसी में जो है हम चिकन भी रख के और चिकन को भी फ्राई करेंगे ताकि गरम मसाले के साथ अच्छे से जो है ये फ्राई हो जाए और गरम मसाले के इसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाए चिकन के अंदर। तो इसको हम फ्राई करेंगे इसके साथ तो अच्छे से खुशबू भी आ जाए और चिकन के हमारा कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। 1 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है साबुत गर्म मसाले के साथ। 1 मिनट हो गया है हमें इसको फ्राई करते हुए चिकन को। अब इसमें मैं लहसुन अदरक शामिल कर दूँगी और इसको उसके साथ भी मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर तक ताकि लहसुन अदरक की खुशबू भी अच्छे तरीके से हमारी चिकन में आ जाए और बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है चिकन को लहसुन अदरक के साथ भी भूनते हुए। अब मैं इसमें ये मैंने जो साबुत धनिया भून के कूटा था ये मैं शामिल कर दूँगी और ज़ीरा। अब अभी इस पॉइंट पर जो है मैं इसके अंदर और मसाले नहीं डालूँगी क्योंकि साबुत धनिया और जीरे का जो है ना भुने कूटे हुए का चिकन में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको इसलिए इसके साथ भूनना बहुत ज़रूरी है। ये देखें इसका कलर भी कितना डिफरेंट आ रहा है और खुशबू भी बहुत ही मज़ेदार हो रही है। तो अभी इसको इसके साथ भी हम जो है थोड़ी देर तक भूनेंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। अब ये देखें मैंने इसको जो है उन मसालों के साथ भून लिया है। अब इस पॉइंट पर जो है 30 सेकेंड के बाद मैं इसमें ये टमाटर डाल दूँगी जो मैंने पीस के रखे हुए थे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल पिसी मिर्च, नमक, और मैंने इसके लिए थोड़ी सी जो हल्दी ली है 1 पिंच हल्दी ली है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है, हल्का सा जो हल्दी का बस उसमें कलर आना है, इससे ज़्यादा इसमें हल्दी नहीं डलेगी। अब इसको हम इसके साथ भूनेंगे अच्छे तरीके से, इसमें हमने इसको इसके साथ भूनना है। अभी इसमें पानी हमने शामिल नहीं करना है बिल्कुल भी, हमने इसी मसाले के साथ इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है अच्छे तरीके से चिकन को। ये अब 1 से 1.5 मिनट मुझे मसालों के साथ चिकन को भूनते हुए हो गए हैं, तो अब इसे 1-2 मिनट के बाद जो है हम इसमें ये दही शामिल कर देंगे अपना। ये दही की प्याली में थोड़ा सा मैंने पानी डाल के ये देख लीजिए आप इतना अब चिकन के अंदर ये मैंने शामिल कर दिया है। अब हमने करना ये कि इसको इसी पानी और दही के पानी में हमारी चिकन गलेगी, इसके अलावा हमने इसमें पानी नहीं डालना है। अब हम इसको कवर कर देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और जब ये गल जाएगा तो फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ उसको किस तरह इसकी शक्ल आएगी। तो ये देखें ये चिकन हमारी गल गई है और बिल्कुल तैयार है। और अब इस पॉइंट पे जो है हमने इसमें पिसा गर्म मसाला जो लिया था ये शामिल करना है। लाल पिसी मिर्चें इसमें बहुत कम गई थी, उसके अलावा हमने इसमें मिर्चें नहीं डाली हैं कोई से भी। तो ये देखिए बस हमारी चिकन तैयार हो गई है। 1 से 1.5 मिनट हम इसको इसमें मिक्स करेंगे गर्म मसाले के साथ, और बस अब इसको डिश आउट करके मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या आएगा और हमने इसे किस तरीके से डिश आउट करना है। तो ये देखिए ये हमारी चिकन जो है तैयार हो गई, इतनी अच्छे से हमारी चिकन गल गई है, बहुत अच्छी सॉफ्ट भी हुई है। ये देख लीजिए आपके सामने बेहतरीन किस्म की तैयार हुई है। तो जो जो मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब जो है हमने इस पॉइंट पे इसमें दही, मैंने इसके अलावा भी दही लिया हुआ था, वो हमने इसके ऊपर दही जो है सर्व करना है अभी इस तरीके से। हम आते हैं इसके मेन पॉइंट की तरफ कि हमने इसे देना है स्मोकी फ्लेवर, इसके लिए मैंने इसके ऊपर
ये कोयले जला के रख दिए। अब मैं इसमें हल्का सा, इस पर मैंने ऑयल डाला है, अब मैं इसको कवर कर दूंगी 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो हमने इसको स्मोक दे लिया है, तो हमारा देखिए चिकन तैयार है। बहुत मज़ेदार बहुत बनता है, बहुत ही टेस्टफुल होता है, ये लाजमी बनाइएगा। और इसके साथ ये जो है ऑनियन रिंग्स हैं, ये तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं खाने में, तो ये भी लाजमी आप इस पर सर्विंग के टाइम डालिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, अदरक जाएगी, और लास्ट में इनके ऊपर थोड़ी सी जो है गार्निशिंग में ये देखें हरी मिर्चें भी इस पर डाल रही हूँ, ये एक इस ऑनियन के बीच में जाएगी। बनी है ना मज़ेदार किस्म की चिकन, तो लाजमी आप भी बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।